नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। विजयदशमी से पहले जो ज्ञान के कारक हैं, जो आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के कारक हैं, कर्मा के कारक हैं, ऐसे गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं। गुरुदेव जो ज्ञान के कारक हैं, जो मान सम्मान देते हैं, जो धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, पांच पांच भावों के कारक हैं, आपके बर्थ चार्ट पे व्यापार के स्वामी या नौकरी देने वाले हैं, ये वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को दोपहर में। ये मार्गी होंगे 4 फरवरी को, बुधवार को वक्री होंगे और मंगलवार को मार्गी होंगे। लगभग 119 दिन वक्री रहेंगे। 119 दिन गुरु का वक्री होना क्या फल देगा? हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए। वक्री गुरु कहाँ आपको रखनी होगी सावधानी, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले विनम्र अनुरोध, क्योंकि आप मिथुन में हैं, सहयोगात्मक राशि में हैं, सहयोगात्मक लग्न में हैं, हर चीज फटाफट करना जानते हैं, तो चैनल को भी फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी गति है हवा जैसे चलते हैं। आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, सबके साथ उम्र के साथ ढल जाते हैं, चिर युवा होने का वरदान आपको प्राप्त है। ऐसे में गुरु महाराज का आपके बर्थ चार्ट में वक्री होना उमस भरे मौसम में एक शीतल हवा की झोंका जैसा होगा। क्यों? देखो भाई, अभी आपके गुरु महाराज द्वादश भाव में चल रहे हैं और द्वादश भाव बहुत अच्छा नहीं होता, खर्च का भाव है, और उसमें भी चल रहे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूलता नहीं प्रदान करता। इस बीच में जो दाम्पत्य जीवन में दूरी आ रही थी, उस दूरी को गुरु पाटेंगे। आजकल सबसे ज्यादा जो तनाव है वो दाम्पत्य जीवन में है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरे को बदल के रख दे, मेरे अनुसार करो, मैं जो कहूँ वो करो। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में कलुषता बहुत आ गई है। एक व्यक्ति जो घर के बाहर संघर्ष कर रहा है सुबह से शाम तक, दुनिया से लड़ रहा है, अगर उसको घर में भी आके घर वालों से लड़ना पड़े तो फिर वो टूट जाता है, क्योंकि सुबह वो निकल गया ऑफिस तो दिन भर संघर्ष करके ही आता है ना। तरह तरह के लोग बैठे हैं काम करने के लिए, औरों डालने के लिए। जब शाम को वो थका हारा वापस आएगा, घर में भी उसको संघर्ष ही करना होगा, चूचा चूचा लगा रहेगा, तो बोलता है यार अलग शांति से रहेंगे, 2 रोटी सुकून से खाएंगे, लेकिन अलग रहेंगे। तो यह जो परिस्थितियां थी यहाँ पे अब परिवर्तित होगा, अब स्वभाव में परिवर्तन आएगा। एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपके गुरु आपके बर्थ चार्ट में निम्न के हैं, मतलब नीच के हैं, वक्री ही हैं, और या किसी पापक प्रभाव में हैं, बहुत श्रेष्ठ फल देंगे आपको, अत्यंत शुभ फल देंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है, दरअसल बर्थ चार्ट में नीच का है, शत्रु क्षेत्र या शत्रु नक्षत्र में है, वक्री होगा तो श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन आपके गुरु यदि आपके बर्थ चार्ट में उच्च के हैं, स्वग्रही के हैं, तो कृपया सावधानी बरतिएगा, जिन पार्टों के स्वामी हैं उस पार्ट में कमी आएगी ही आएगी। अब देखिए क्या होता है मित्र, एक लाइन में मैं बोलूं कि वक्री गुरु आपको बहुत पैसा देंगे, कुछ लोगों को देंगे, सच है, कब देंगे वो डेट भी बताता हूँ आपको, लेकिन कुछ लोगों को वक्री गुरु दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को खराब करेंगे, कुछ लोगों के वक्री गुरु व्यापार में अवरोध उत्पन्न करेंगे, और कुछ लोगों का ट्रांसफर होगा, कुछ लोगों की नौकरी पे थोड़ी सी दबाव बनेगा। हाँ, कुछ लोगों को नौकरी, ज्यादातर लोगों को मिलेगा। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो कम परसेंटेज में नुकसान होगा, ज्यादा लोगों को फायदा ही हो रहा है। जब तक मृगशिरा में है, मृगशिरा क्या है, आपके बर्थ चार्ट में मंगल का नक्षत्र है, तो लाभ की चीजों को वापस करेंगे, जो लाभ आपको उन बीच में नहीं हुआ था वो लाभ आपको वापस कर रहे हैं गुरु महाराज। 20 अगस्त से मृगशिरा में हैं, ठीक है,
तो 20 अगस्त के बाद जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तो अब गुरु महाराज लाभ देंगे। 28 अक्टूबर को गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, जिसका नाम है रोहिणी नक्षत्र। यहां से आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। अगर आप ज्योतिष थोड़ा भी देखना जानते हैं तो आपको पता होगा कि रोहिणी आपके बर्थ चार्ट में बैंक का स्वामी है। तो भाई बैंक का प्रभाव लेके गुरु वक्री हो रहे हैं, और गुरु है क्या, व्यापार के स्वामी हैं। अतः अब आपके व्यापार में जो अवरोध आ रहा था वो ठीक होगा। जो आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां बन रही थी उन दूरियों को पाट दिया जाएगा। आपके रिश्ते कुछ दूर आगे बढ़ के रिश्ते टूट गए थे, रिश्ते छूट गए थे, उन रिश्तों को पुनः कनेक्ट किया जाएगा। बोलेंगे चलो लौट के फिर देखते हैं, कमियां तो एक दो सब में होती है। ओम विघ्नोराय नमः, ओम घनघोर विघ्नोराय नमः करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके ग्रह गोचर कराएंगे। हाँ, पिता की सेहत का ध्यान रखना, जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि वक्री ग्रह उन पार्टों के प्रति जिस भाव के स्वामी हैं, जिन भाव का कारकत्व तो लेकर चलते हैं, उन भावों के प्रति थोड़ी सी लापरवाही दर्शाते हैं। किंतु यहाँ पे अधिक मात्रा में लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। देखिए बुध देव भी आपके अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो बुध देव की गोचरी स्थिति भी आपको लाभ देगी, लेकिन बुध जब चले जाएंगे आपके बर्थ चार्ट में वृश्चिक में, उस समय सेहत का ध्यान रखना। अगर सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो पैसे तो आएंगे, लेकिन पैसे का सेकंड हाउस जो होता है ना, थोड़ा सा मार्केस होता है। सेकंड हाउस आपको जब भी पैसा दे सावधान हो जाना, क्योंकि पैसा के बाद बीमारी जरूर आएगी, पैसे के बाद रोग जरूर आएंगे। यह उस पार्ट का नेचर है भाई। आप देखें आपके बर्थ चार्ट में 3 जगह से पैसा आएगा, और तीनों जगह से परेशानी भी निश्चित आएगी। 7th हाउस जब भी पैसा देगा, आपके शत्रु बढ़ेंगे, लोग गुपचुप तरीके से आपको परेशान करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे। 11th भाव से जब पैसा आएगा आपको चोट लगेगी, क्योंकि 11th भाव ही पैसे का है। और 2nd भाव से जब पैसा आएगा तब आपको धीरे से बीमारियां पकड़ेंगी। आपके बर्थ चार्ट में 28 अक्टूबर को रोहिणी में चतुर्थ चरण में, 23 दिसंबर से रोहिणी के तृतीय चरण में, तो 23 दिसंबर के बाद ना आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ोगे एंजॉय करते हुए। तो गुरु की गोचरी स्थिति 119 दिन के लिए श्रेष्ठ फल देने वाली है। उत्तिष्ठ जागृत, गुरु को मजबूत करके रखिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः। पुखराज पहनने की मैं सलाह नहीं दूंगा बिना आपके बर्थ चार्ट को देखे हुए, ठीक है। राशि पे कभी रत्न पहनने से परहेज करिएगा। मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु मार्केस भी होते हैं, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में गुरु बैठे कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए गुरु आपके कर्मा में है, पहन लीजिए। नवम भाव में है, पहन लीजिए। एकादश में है, पहन लीजिए। आपको देखना होगा प्लेसमेंट गुरु की क्या है, और ज़्यादा पीला वाला पुखराज मत पहनिए, उसमें जो हल्का पीला होता है वो पहनिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। ज्योतिष बहुत सरल है, टू द पॉइंट चीज़ों को समझने की कोशिश करें, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। चलिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।